शुभम चेक कर ले रहा हूँ। ओके सर। सर वो एक बार लिख देना सर। हाँ बोलो बोलो। लास्ट वाली लीड लास्ट वाली रिएक्शन ये है, रिएक्शन का नाम नहीं है कोई भी, बस उसमें लिडलार्ड चैटिस का यूज बताया है। जैसे ब्यूट टू आइन है, इसमें अगर मैं एच टू पी डी डालूंगा तो मिलेगा ब्यूटेन, लेकिन अगर पैलेडियम को क्या कर दे, पॉइजन कर दे बी एस ओ फोर और सल्फर के साथ। देखो इसको कैसे बोलेंगे, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, लिडलार्ड चैटिस है ये, इसको बोलेंगे कैसे, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम सपोर्टेड ओवर BSO4 एंड पार्शियली पॉइजन बाय सल्फर। हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम सपोर्टेड ओवर BSO4 एंड पार्शियली पॉइजन बाय सल्फर, बॉइलिंग ज़ाइलिन की प्रेजेंस में या क्विनोलिन की प्रेजेंस में। बॉइलिंग ज़ाइलिन या क्विनोलिन, और मिलेगा कैसे आंसर, ये लिडलार्ड कैटलिस्ट है, मिलेगा कैसे बॉइलिंग ज़ाइलिन के प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। आंसर आएगा इसका ब्यूट टू इन और किस फॉर्म में, सिस फॉर्म। सिस ब्यूट टू आइन है ऊपर, ब्यूट टू आइन से सिस ब्यूट टू इन, ब्यूट टू आइन से सिस ब्यूट टू इन। आगे समझ के नहीं, और इन H2PD वाली रिएक्शंस में हम मेनली स्टीरिक हिंड्रेंस चेक करते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए। मेनली हम क्या चेक करेंगे, स्टीरिक हिंड्रेंस। जैसे अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं, उसमें मान लो इथीन है, इथाइन है, और से प्रोपीन है, और प्रोपीन है, और एक ब्यूट टू इन है, H2Ni के साथ रिएक्शन कराई, वाटर मैनेज करो, व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। H2Ni के साथ रिएक्शन कराई है तो ऑर्डर क्या होगा, सर बोल रहे, 2, 1, 3, 4 बिल्कुल सही है, 2, 1, 3, 4 शिरिक हिंड्रेंस देखना है, डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उसके जितने उसके अराउंड जितने एल्काइल ग्रुप होंगे रिएक्टिविटी उतनी कम। समझ आ गया सबको कि नहीं है? यस सर। देखो एल्काइन अगर आया ये आया इथाइन, एच एच ये अटैक कर रहा है, ये अटैक कर रहा है, बस ये एच यहाँ जा रहा है, ये एच यहाँ जा रहा है, तो इसको रिपेल करने वाला सिर्फ ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन, बहुत ही लाइट ग्रुप है तो आसानी से अटैक हो जाएगा, रिएक्शन फास्ट होगी, आसानी से अटैक हो जाएगा, रिएक्शन बहुत फास्ट होगी। अब इसके बाद आया इथीन, इथीन ऐसे है और एच एच आ रहा है, तो इसमें कुछ रिपल्शन बढ़ जाएंगे कि नहीं, एच टू आएगा, एच टू एन आई कुछ रिपल्शन बढ़ जाएंगी, और अगर इसी का मैं मिथाइल लगा दूं तो रिपल्शन और बढ़ जाएंगी, इसी का एक और मिथाइल लगा दूं तो रिपल्शन और बढ़ जाएंगी। समझ आया कि नहीं है, इन दोनों एच को रिपल्शन और मिलेंगी बड़े ग्रुप से। समझ आ गया? Yes. चलो अभी हमने कौन सी पढ़ी रिएक्शन, सेबेडियर सेंड्रेंस रिडक्शन और साथ में बर्च रिडक्शन और एक लिडलार्ड कैटलिस्ट का यूज, कोई डाउट तो नहीं किसी को? नेक्स्ट नो करेंगे, नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन लिखेंगे रोदनमन रिएक्शन। रोदनमन रिएक्शन इसमें एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बनेगा, क्या बनेगा, एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड, नोट करेंगे, जैसे आर सी ओ सी एल है, ये है एसिड क्लोराइड, इसमें डालेंगे हम H2PD
BSO4 और सल्फर बॉइलिंग ज़ाइलिन के प्रेजेंस में, कौन सा कैटलिस्ट चाहिए? लेंडलार्स। लेंडलार्स कैटलिस्ट। तो जब ये डालेंगे तो इससे मिल जाएगा HCl बाहर और आंसर आ गया RCHO। तो ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जैसे बेंजोइल क्लोराइड लिया, बेंजोइल क्लोराइड इसमें डाल दिया H2PdBSO4 सल्फर पूरा रखना तुम्हें और बॉइलिंग ज़ाइलिन के प्रेजेंस में, तो क्या आंसर आएगा? बेंजल्डिहाइड। क्या आंसर आ जाएगा? बेंजल्डिहाइड। समझ आया कि नहीं? है अभी से ये बेंजल डिहाइड। इसमें क्वेश्चन क्या आते हैं? किसको क्लास लीव करनी पड़ रही है? चलो चलो बेंजल डिहाइड ही आ जाएगा। अटेंडेंस जरूर लेते रहना बच्चे, बीच में अटेंडेंस मत छोड़ना कोई भी। जैसे कल किसने ली थी? अखिल ने ली थी अटेंडेंस? अखिल नहीं, अखिल ने तो क्लास लीव कर दी थी। प्रवीण ने ली थी? यस सर। यस सर, मैंने भी ले ली थी सर, आज ले लो। हाँ बिल्कुल, दो तीन बच्चे अटेंडेंस लेके डाल दिया करो ग्रुप में, बीच में लेनी होती अटेंडेंस हमेशा। सर कल वो बीएमसी वाली क्लास का टाइम वो कर। अच्छा चलो, अभी मैं जल्दी छोड़ दूंगा आज, लेकिन जितनी क्लासेस हो रही है उसको ढंग से करो। ऑर्गेनिक बहुत वास्ट है, बाकी चैप्टर तो मैं फिर भी करा लूंगा, ऑर्गेनिक काफी ज्यादा है। यस सर। तो बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड आ गया, बेंजोइल क्लोराइड से क्या आ गया? बेंजल्डिहाइड। रिएक्शन याद करनी है एज इट इज, याद नहीं करोगे ऑर्गेनिक के अंदर, बस तुम सोचोगे कि नॉवल की तरह पढ़ना है और समझना है सिर्फ, कुछ भी नहीं कर पाओगे पेपर के अंदर। याद जरूर करना है लिख लिख के, और रिएक्शन जो करा रहा हूँ रिएक्शन जरूर लिखो, पांच बार, सात बार, दस बार, जितनी बार में तुम्हें याद होती है मन में बोलो इनको कौन सी रिएक्शन तुम भूल रहे हो, तब जाके रिएक्शन याद होंगी। ऐसे नहीं होगा, और रोज करना है काम, ये रिएक्शन वाला काम मिस नहीं करना बिल्कुल भी। ये 50 रिएक्शन के आसपास हो जाएंगी। अभी कितनी हुई है टोटल, काउंट कर रहा है कोई? अभी काउंट कर रहे हो कि नहीं? सर आज 7 और कल अप्रोक्सीमेटली सर आपने 6 करा दी थी, तो सर वही 14 15 के आसपास। हां 13 से 15 सर, 17 हो गया है। 17 हो गई है, बिल्कुल सही बात है ये। यस सर, 17। तो छोटी छोटी भी लगा लोगे, लूकास वगैरह वाली तो बिल्कुल बिल्कुल डार्जेंस प्रोसेस है, तो उसको भी लगाना है तुम्हें। जैसे वो था ना, अब मैंने इथेनॉल में, मैंने एक वर्ड यूज नहीं किया, इथेनॉल में जब हमने कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रेज HCl2 डाला, तो उस प्रोसेस का नाम भी था ग्रूव्स प्रोसेस। जब लूकास रिएजेंट डाला, मैंने कहा था हीट करने पर HCl बनेगा, Cl याद आया कुछ की नहीं? अभी भी कराया पीछे। यस सर, डार्जेंस प्रोसेस के जस्ट ऊपर कराया था कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रेज HCl2, सही है ना? तो उसे क्या बोलेंगे? ग्रुव्स प्रोसेस, हीट करने पर प्राइमरी अल्कोहल रिएक्शन देता है सेकंड। रजत ये था ना, ROH में डाला मैंने कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2 यानी लुईस एसिड, तो मिलता RCl। ZnCl2 का फंक्शन क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, यहाँ पे CO बॉन्ड का क्लीवेज करना ताकि RCl बन सके, इसको वो कहते हैं ग्रुव्स प्रोसेस। और ये रिएजेंट क्या था? ल्यूकास रिएजेंट। ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का पता लगाने के लिए होता है कि कहां पे किस टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी है, किस टेस्ट ट्यूब में सेकेंडरी है, किस टेस्ट ट्यूब में टर्शियरी है। अच्छा ये कर लिया तुमने बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड? बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड हो गया। अब जैसे क्वेश्चन इसमें क्या बनते हैं, अगर मान लो इसमें मेरे को, मान लो मैंने इसमें H2PD यूज किया, BSO4 सल्फर नहीं डाला, तो क्या मिलेगा प्रोडक्ट? सिर्फ ये यूज किया सर, वो C6H5 बेंजीन उसमें सर, वो डबल बॉन्ड्स में लग जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, तो सारे टूट जाएंगे सर, सारे डबल बॉन्ड टूट जाएंगे, तो हेक्सेन बचेगा सर? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जब ऊपर कोई रिड्यूसिबल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो वही रिड्यूस होगा, बेंजीन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस केस में ना यहाँ पे भी आगे फर्दर रिएक्शन हो जाती है H2PD के साथ, और एक H2 और ऐड हो जाएगा और आंसर आ जाएगा बेंजाइल। नहीं समझ आया?
सर मतलब बाहर वाले में तो हाँ बाहर वाले ही टूटता है। अगर ऊपर नॉन रिड्यूसिबल ग्रुप होता, ऊपर अगर नॉन रिड्यूसिबल ग्रुप होता तब बंजीन रिंग के डबल बॉन्ड हटते हैं, वो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर में पता लगता है हमें। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है एच टू पी डी के साथ, सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या होगा आर सी ओ सी एल, फिर सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, फिर ये रिएक्टिव है, फिर आर सी एच ओ रिएक्टिव है, फिर डबल बॉन्ड रिएक्टिव है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर चलता है। मतलब ये तो ना 10 से 30 के बीच में रिएक्टर जाते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रिएक्टर जाते हैं ये। इसके बाद आता है कीटोन, फिर आता है बेंजीन, बेंजीन रिएक्ट करता है 100 से 150 डिग्री सेल्सियस में, समझ गए कि नहीं है। तो ऐसे रिएक्टिविटी ऑर्डर बहुत सारा है, मत जाओ ज्यादा डिटेल में, अभी जितना मैं बता रहा हूँ उतना करो बस। अच्छा ये समझ आ गया कि नहीं जो बताया मैंने अभी, अगर मैं लिंडर कैटलिस्ट यूज नहीं करूंगा इस रिएक्शन में तो मिलेगा बेंजाइल अल्कोहल, तब क्या मिलेगा बेंजाइल अल्कोहल। अब तुम बताओगे इसके अंदर, ध्यान देना, अब तुम्हें बताना है कि चलो एक कमेंट करो, बोर्ड का क्वेश्चन है ये, तुम्हें बनाना है बेंजोइक एसिड से बेंजाल्डिहाइड, बनाओ जल्दी से बेंजोइक एसिड से बेंजाल्डिहाइड। सर इसमें पहले PCl5 डाल देंगे जिससे बेंजोइक क्लोराइड बन जाएगा, और उसके बाद H2PdBSO4 डालने के बाद बेंजाइल एल्हाइड बन जाएगा, मतलब बेंजाइल एल्हाइड। किसने बोला? हां किसने बोला ये? श्रुति का। बहुत अच्छा श्रुति का, एक्सीलेंट आंसर है ये ना। ये बोर्ड में बहुत बार क्वेश्चन आया है, बेंजोइक एसिड है, देखो सर बेंजोइक एसिड है, PCl5 डाला है इसमें, बेंजोइल क्लोराइड बन गया, फिर इसमें डाल देंगे H2PdBSO4 सल्फर बॉइलिंग ज़ाइलीन में, लिख देना पूरा तो आ जाएगा अच्छे बाहर बेंजाल्डिहाइड। समझ आया कि नहीं है? ये समझ आ गई कमेंट कि नहीं? यूज किया इसमें रोजरमन रिएक्शन का, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रोजरमन रिएक्शन, ये पूरी रिएक्शन जो है। नहीं समझ आया? आ गया सर। हाँ और कोई, और किसी ने किया क्या सर? हाँ, बोलो बोलो सर। इसमें पहले डीकार्बोक्सिलेशन करके फिर एसाइलेशन करके फिर रोजनवुड लगाएं तो चलेगा? परफेक्ट बिल्कुल। यस सर ये वाला होगा। यस सर ये डीकार्बोक्सिलेशन किया पहले, दोबारा बोल। शिवम ने बोला है सर? समीर हाँ समीर बोल। सर डीकार्बोक्सिलेशन करी। हाँ सर फिर उसके बाद एसाइलेशन कर दी। तो उस एसाइलेशन करेगा तो वो तो वो आएगा ना एसिटोफिनोन, उससे तो एसिटोफिनोन आएगा ना COCH3। नहीं समझा? देखो एक रिएक्शन बता दो। हाँ बोलो बोलो
सर इसमें पहले सर डी कार्बोक्सिलेशन करके बेंजीन आएगा, तो सर इसमें गटरमैन कोच डाल देंगे तो बेंजल डिहाइड बन जाएगा सर। हाँ गटरमैन कोच एक्चुअली मैंने कराई नहीं थी इसके लिए बताया मैंने, गटरमैन कोच रिएक्शन देख लेंगे एक बार, गटरमैन कोच रिएक्शन, गटरमैन कोच रिएक्शन इसमें क्या है बेंजीन में डालते हैं हम, ध्यान देंगे CO प्लस HCl। This reaction is similar to ferrityl carboxylation. ये HCOCl बना सकता है ना HCOCl. This reaction is similar to ferrityl carboxylation reaction. Anhydrous AlCl3 डालते हैं, solvent CH2. तो मिलता है बेंजल्डिहाइड. तो मिल जाता है बेंजल्डिहाइड. तो इसलिए तो बेंजोइक एसिड से दो नए रिएक्शन से हो गया क्वेश्चन. पहले बेंजोइक एसिड से बनाया क्या बेंजीन, कैसे बनेगा NaOH plus CO. बन गया बेंजीन, और बेंजीन से फिर गेटरमैन कोच रिएक्शन, दो नए रिएक्शन यूज किया आंसर निकल गया बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड. नहीं समझ आया देखो, समझ आ गया कि नहीं? ये आगे समझ के नहीं, ये वाला एक और बता रहा, कौन सा वाला बताओ बताओ, नाम बोलो पहले अपना. शिवा. हाँ शिवा बोल. गेटरमैन कोच रिएक्शन में तो डायरेक्ट बन रहा है एल्डिहाइड, बेंजा एल्डिहाइड. हाँ बेंजीन से बन रहा है, लेकिन बेंजीन में डाला CO प्लस HCl एनहाइड्रस AlCl3 में. देखो एनहाइड्रस AlCl3 डाला, बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है इसका, एनहाइड्रस AlCl3 डाला तो क्या बना देगा वो Al इस Cl को ले जाएगा और क्या रिलीज हो गया H+, H+ रिलीज हो गया ना इसका. CO क्या है? Yes, sir. O पे प्लस, C पे माइनस, H प्लस मिल गया यहाँ से. AlCl4 नेगेटिव बाहर हो गया ना, AlCl4 नेगेटिव अलग हो गया, H प्लस यहाँ आ जाएगा इसके पास. तो क्या बन गया HC OO+. अब ये इलेक्ट्रॉन लेके गया C पे प्लस अटैक कर देगा बेंजीन पे, C पे प्लस अटैक कर देगा बेंजीन पे. कोई डाउट? नो सर. देखो मैं तुम्हें बस तुम ना रिएक्शन मेरी बात मानते रहो, रिएक्शंस जो मैं बोल रहा हूँ सारी याद करो बिल्कुल ढंग से. बहुत बड़ी बड़ी कन्वर्जन, अब जैसे ये कन्वर्जन ना मैं इसको 10 तरीके से करा सकता हूँ, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड. अब ये मैंने इसमें डाला, ध्यान देंगे मैंने इसमें डाला LiAlH4 तो बन गया पहले CCH5CH2OH, फिर PCC in CH2Cl2 या हॉट कॉपर, मतलब बहुत सारे तरीके हैं एक कन्वर्जन करने को CH2Cl2 या हॉट कॉपर डाल दो इतने सारे, या MnO573 कॉलम पे डाल दो, MnO2 डाल दो. तो ये कन्वर्जन एक कन्वर्जन करने के 500 तरीके मिलेंगे शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करने के. समझिए कि नहीं है? सर सर जो गेटरमैन होते हैं ओनली बेंजीन के लिए होता है या फिर? हाँ बेंजीन के लिए सिर्फ, ये पर्टिकुलर रिएक्शन है बेंजीन के लिए, और ये सिमिलर टू फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भी है ये. गेटरमैन कोच रिएक्शन है सिमिलर टू फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बन गया ना HCO. यस सर यही इलेक्ट्रोफाइल बनता है, CH3CO+ ही तो बनता है उसमें भी, देयरफॉर इट इज सिमिलर टू फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन. एसाइलेशन सर. कोई डाउट किसी को? बोलो बोलो सर. जो स्वार्ट्स रिएक्शन है उसमें जैसे कि OH हट जाता है, तो वो अगर हम OH किसी में लगाएं तो वो किसी से भी हट जाएगा? स्वार्ट्स रिएक्शन में हाँ OH किसी से भी हट जाएगा. ठीक है सर. OH किसी से, बस बेंजीन से नहीं हटेगा, बेंजीन के ऊपर OH रेजोनेंस सिमिलराइज होता है ना वो नहीं हटेगा. ओके सर. और किसी को पूछना है कुछ? सर अगर फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में जो हम बेंजीन में सर वो डालते हैं CH3COCl, तो सर वो वाला बन जाता है एसिड, वो 1-phenyl-ethanone बन जाता है. हाँ तो सर उसमें जो Cl हट जाता है सर, इस इधर जो ये वाली गैट्रिस मैंने इसमें वो Cl हट के वो आ रहा है सीधा.
CH3 नहीं आ रहा मतलब हाँ CH3 नहीं आ रहा H आ रहा ना इसमें H था रिव्यू ओके सर चलो अब नेक्स्ट देखो अगर तुमने नेम रिएक्शन नहीं पढ़ी ना सारी रिएक्शन केमिस्ट्री ये ऑर्गेनिक के अंदर समझने का तो है ही है लेकिन याद नहीं किया ना साथ साथ तो वहां पेपर में सोचते रहोगे पेपर में सारे मैकेनिज्म नहीं लिखने होते याद होगी रिएक्शन तो जल्दी हो जाएगा इसलिए याद जरूर करना है उसके बिना काम नहीं चलेगा और ये डेली पढ़ोगे तब याद होंगी अभी नेम रिएक्शन जैसे मान लो अगर मैंने 20-22 करा दी तुम देखो स्टार्टिंग में सिर्फ 8 से 10 दिन तुम्हें टाइम लगेगा 1 घंटा 1.5 घंटा उसके बाद हार्डली 10 मिनट लगेंगे हर रिएक्शन में और लास्ट में जाके तुम खुद कहोगे नहीं तो तुम कभी कैटलिस्ट भूल रहे हो एक रिएक्शन का रिएक्टेंट लिख रहे हो तो दूसरे का प्रोडक्ट लिख रहे हो रिएक्शन का नाम कुछ और बोला है लिख तुम कोई और रिएक्शन रहे हो फिर ऐसी दिक्कतें आएंगी देखो जब मेरे को भी जब किसी टीचर ने पढ़ाया था तो उन्होंने एक ही लाइन बोली थी कि कोई अपना तरीका ऐसा मान लो जिससे तुम ऑर्गेनिक के डेली टच में रहो तो फिर जैसे कोई टीचर पढ़ा रहे हैं तो मैंने सिर्फ क्या किया नेम रिएक्शन जो है कोई पूरा टॉपिक तो नोट नहीं कर सकते नेम रिएक्शन जो करवा बीच में आया चैप्टर पढ़ाया एल्काइल हैलाइड उसमें नेम रिएक्शन बीच में आई तो मैं नेम रिएक्शन नोट कर लेता था कि ये नेम रिएक्शन है इसको अलग से याद करना और वो डेली पढ़ना था मेरे को कि डेली पढ़ाई की उसकी और उस समय 40-45 रिएक्शन होती थी वो हार्डली मेरे को मतलब 15-20 दिन के बाद ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट लगते थे मैं सिर्फ कैटलिस्ट देखता था कि इसमें ये कैटलिस्ट है इसमें ये कैटलिस्ट बिना याद किए बिना समझे कोई भी चीज करोगे तो बेकार है याद तो करना पड़ेगा ध्यान रखना चीज में कोई कितना भी कह ले कि मैं कुछ भी याद नहीं कराऊंगा और तुम्हें सब समझा के करूंगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है याद तो करना पड़ेगा तुम्हें मैंने बोला रोजनमेंट रिएक्शन तुम्हें कुछ पता ही नहीं उसके अंदर तो क्या होगा तो रिएक्शन तो याद करनी पड़ेगी सबके मैकेनिज्म है ये भी कह रहा हूं मैं सबके मैकेनिज्म है कोई ऐसी रिएक्शन है जिसका मैकेनिज्म नहीं है सब डिटेल में है सब मैकेनिज्म है सबके लेकिन एक बार याद कर लो टाइम मिलेगा तो सब कर लेंगे लेकिन अभी तुम जो मैं कह रहा हूँ उसको करते रहो रिएक्शन मत मिस करना बिल्कुल भी नेक्स्ट नोट करना है स्टीफन रिडक्शन स्टीफन्स रिडक्शन इसमें साइनाइड से सीएन से सीएचओ बनेगा सीएन से सीएचओ पार्शियल रिडक्शन होता है इसके अंदर जैसे मैंने लिया आरसीएन आरसीएन लिया इसमें डाला एसएनसीएल टू प्लस एचसीएल एसएनसीएल टू प्लस एचसीएल अगर एसएन प्लस एचसीएल होता ना मेटल प्लस एचसीएल तो होता है कंप्लीट रिडक्शन मेटल क्लोराइड प्लस एचसीएल है तो पार्शियल रिडक्शन तो इसमें RCH डबल बॉन्ड NH आ जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH डॉट HCl लिखना है तो डॉट HCl भी लिखो है कुछ भी नहीं इसके अंदर SnCl2 प्लस 2 में था 2 HCl डाला तो SnCl4 बन जाता है प्लस 2 नेशन हाइड्रोजन कह लो ये दो नेशन हाइड्रोजन जाके अटैक कर गए ट्रिपल बॉन्ड पे ये इलेक्ट्रॉन इधर एक H इधर चला गया एक H इधर चला गया ऐसे कुछ रिएक्शन हो गई समझ गए कि नहीं है yes. तो ये आ गया अगर उसके बाद डालने के होता तो अगर मेटल होता और HCl होता तो चार नेशन हाइड्रोजन मिलते हैं जैसे जैसे मैंने लिया SN तो RCH2NH2 बन जाता हाँ पूरा कंप्लीट हो जाता तो ये मिलेगा SnCl4 मिलेगा प्लस 4 नेशन हाइड्रोजन नहीं समझ आया आ गया सर सर मेटल वाला क्या था एक बार बताना मैंने बोला रजत मेटल प्लस एसिड है तो कंप्लीट रिडक्शन और मेटल क्लोराइड प्लस एसिड है तो पार्शियल रिडक्शन ये आ गया यहाँ पे हाँ जैसे जिंक प्लस डाइल्यूट एचसीएल कंप्लीट रिडक्शन सोडियम प्लस इथेनॉल भी है तो कंप्लीट रिडक्शन जो एच देगा कंप्लीट मेटल अगर है तो कंप्लीट रिडक्शन RCH डबल NH आ गया RCH डबल NH अब इसमें डाला बॉइलिंग वाटर तो RCHO आ जाता है डायरेक्ट तो मैं एक बार तरीका समझा देता हूं तुम्हें समझ आएगा तो कर लेना जरूर ये इस तरीके से करना है वाटर डाला ना यहां से क्लीवेज होगा बॉन्ड का दो बॉन्ड है दो बार वाटर ऐड होगा पानी का H जाएगा किसके पास N के पास कि C के पास पानी का H किसके पास जाएगा नेगेटिव के पास कि पॉजिटिव के पास नेगेटिव तो N होगा N के पास गया H इधर गया OH दोबारा दूसरे बॉन्ड का भी क्लीवेज हुआ तो फिर N के पास गया H इधर गया OH तो ये अमोनिया निकला बाहर साथ में RCH के साथ दो OH आ गए कि नहीं समझ आया
आगे सर, और एक कार्बन पे दो ओ एच, दो ओ एच या तीन ओ एच, हाईली अनस्टेबल, वाटर लूज कर देता। एक कार्बन पे ओ एच और एक्स, हाईली अनस्टेबल। एक कार्बन पे ओ एच और एन एच टू, हाईली अनस्टेबल। इमीडिएटली एमोनिया या वाटर या HCl लूज करेगा। ओ एच एक्स है ना, दिए इलेक्ट्रॉन एक तरह ऐसे कर लेना, ओ एच इलेक्ट्रॉन ले गया इस ओ ने लोन पे दिया, इधर से एच प्लस बाहर, तो इधर से वाटर बाहर निकलता है। तुम डायरेक्ट याद रखना, एक कार्बन पे दो ओ है तो वाटर लूज कर देगा, आंसर आ गया RCH2। नहीं समझ आया? ये है स्टीफंस रिडक्शन। रिएक्शन कौन सी है? स्टीफंस रिडक्शन। किसी को डाउट कोई? एक एग्जांपल लिख लेंगे, बेंजोनाइट्राइल है सपोज, इससे बनाना है बेंजल्डिहाइड, इससे बनाना है बेंजल्डिहाइड, तो मैं इसमें क्या डालूंगा? पहले SnCl2 प्लस HCl, तो बेंजीन के ऊपर CH डबल बॉन्ड NH आ जाएगा, उसके बाद बॉइलिंग वाटर या H2OH प्लस। नहीं समझ आया? बेंजोनाइट्राइल से बेंजल्डिहाइड, बेंजोनाइट्राइल से बेंजल्डिहाइड। किसी को डाउट कोई? रजत? यस सर, आ गया सर। हाँ बोलो बोलो सर। ये सीएन एनएच टू आया है, एनएच आया है, एनएच सी एच रिलेवेंट एनएच। ओके सर, देखो सेम रिएक्शन है ये, यहां से ये बनाया ना, सेम रिएक्शन तो है। और जब बड़े बड़े कन्वर्जेंस करते हैं ना, तो उसको एक स्टेप में लिखते हैं, ये इंटरमीडिएट दिखाते ही नहीं है। ये हटा दो उसको बीच से, ये हटा दिया, फर्स्ट लिखा ये, सेकंड लिखा H2OH+। बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा? बस फाइनल आंसर क्या आएगा? फाइनल आंसर क्या है? बेंजल्डिहाइड। अभी तो मैंने ये दो ही लिखे हैं, आईआईटी में से भी क्वेश्चन आए हैं, 10 लिख देंगे डायरेक्ट, ये 1 2 3 4 5 6 7, और बोलेंगे फाइनल आंसर क्या है, तो तुम्हें सारा सोचना है इमीडिएटली। तो अब तुम अगर मगर नहीं सोचने लग गए, फिर तो होगी रिएक्शन, जिसको रिएक्शन रेडी होंगे वो ऑरली देख के बता लेगा कि क्या आंसर है। आया समझ के नहीं? यस सर। और इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे भी पूछ सकता हूँ कन्वर्जन में, मैंने बोला बेंजामाइड से बनाओ बेंजल्डिहाइड, बेंजामाइड से बेंजल्डिहाइड, ये बेंजामाइड है, इससे बनाओ बेंजल्डिहाइड, इससे ये बनाना है, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा पहले किसी भी तरीके से इससे ये बन जाए या इससे बेंजीन बन जाए। तो इससे बेंजीन तो बनाना सिखाया नहीं मैंने तुम्हें, तो इससे ये कैसे बनेगा? एक रेजेंट है, याद कर लेना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को बाहर निकालता है, ये वाटर बाहर निकल गया, वाटर बाहर आ गया ना CN। देखो समझ आ गया कि नहीं? Yes. डाउट सर एक बार रिपीट कर दो। मैंने बोला बेंजल्डिहाइड से, ओ बेंजामाइड से बेंजल्डिहाइड बनाओ, बेंजामाइड से बेंजल्डिहाइड, तो बेंजामाइड से बेंजल्डिहाइड बनाना है, बेंजामाइड क्या, बेंजीन के ऊपर CONH2, तो वाटर बाहर निकाल देंगे, वाटर किससे निकलता है? फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये रहा H2 बाहर, तो CN आ गया, फिर उसके बाद स्टीफन रिडक्शन। समझ आ गई रिएक्शन के नहीं? श्रुतिका? यस सर। सर हाँ बोलो बोलो सर, अगर बेंजीन के ऊपर NC लगाओ और हमें तब बनाना हो, बना सकते हैं? NC से हाँ, हाइड्रोलिसिस करके हो सकता है, हाइड्रोलिसिस करके हो सकता है, आगे जाके वो भी बताऊंगा। हाइड्रोलिसिस करके वो मिल जाएगा पहले NH2, NH2 से N2Cl, N2Cl से फिर बेंजीन आएगा, बेंजीन से फिर बेंजल आएगा। तो देखिए बहुत सारे हैं, अभी पहले करने दे, अभी पहले करने दो। समीर, समीर बोल रहा है? ठीक है सर। यस सर। हाँ अभी धीरे धीरे करेंगे, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, तो बिल्कुल स्टार्ट ही किया जस्ट। चलो ये नोट कर लिए, स्टीफंस रिडक्शन।
यस सर। नेक्स्ट नोट करेंगे रिडक्शन में ही, मेंडियस रिडक्शन। मेंडियस रिडक्शन, मेंडियस रिडक्शन में आर सी एन से आर सी एच टू एन एच टू बनता है। अब बताओ इसमें कंप्लीट रिडक्शन है कि पार्शियल रिडक्शन है? पार्शियल, पार्शियल है। सी एच टू एन एच टू है, भी चार एच लगे हैं। अच्छा हाँ सर, सॉरी सर, वो ये फुल है सर। एन ए प्लस सी टू फाइव वो डालते हैं और फोर नेशन हाइड्रोजन मिलता है। आया समझ के नहीं? सही ना, Na प्लस सी टू फाइव ओ एच, सोडियम प्लस इथेनॉल, ये डालेंगे जो देगा चार नेशन हाइड्रोजन और आंसर आ जाएगा आर सी एच टू एन एच टू। दो एच सी के पास, दो एच एन के पास, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन था, सही ना। दो एच सी के पास आएंगे, दो एच इधर, देख लो और चेक करो सर। सर हाँ बोलो बोलो सर, अगर चार नेशन हाइड्रोजन निकले तो मतलब कंप्लीट रिडक्शन है ये? कंप्लीट नहीं, ऐसा तो नहीं है। जैसे जिंक प्लस टू एच सी एल है तो इसमें तो नहीं होगा ना, दो ही नेशन हाइड्रोजन देगा जिंक प्लस टू एच सी एल। तो सर पता कैसे लगा कि कंप्लीट हुई कि पार्शियल हुई? मेटल हो ना, मेटल के साथ अगर एच सी एल आता है, एसिड आता। अच्छा सोडियम मेटल है, नहीं समझ आई बात सर? आ गई हाँ, ये ध्यान रखना चीज का ना। किसी को पूछना कुछ? देखो मैकेनिज्म इसमें ना आगे, जैसे सोडियम जब भी मेटल आएगा वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। मान लिया मैंने एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, सोडियम आया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? एन पे एक रेडिकल था, ये था ना, ऐसे था ये रेडिकल रेडिकल। अब ये इलेक्ट्रॉन ले लिया सोडियम ने क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आर सी रेडिकल बन गया, डबल बॉन्ड एन नेगेटिव आ गया। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? सर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, सोडियम ने कहां लिया इलेक्ट्रॉन? सोडियम इलेक्ट्रॉन दिया नाइट्रोजन को। अच्छा सर सॉरी, ठीक समझ गए कि नहीं ये? यस। अब इस Na प्लस को देख करके इथेनॉल भी अपना H प्लस लूज कर देगा, ये H है ना, ये लूज कर देगा H प्लस, और वो कहां जुड़ जाएगा जाके? N के पास। नहीं समझ आई बात? और ये बन गया C2H5O1, ने C2H5O नेगेटिव और Na प्लस C2H5O1, ने ये सब समझ आ गया? Yes. और ये सब कितनी बार लगाओगे? चार बार। अब नेगेटिव आएगा इधर सोडियम से, सोडियम दोबारा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नेगेटिव आ गया कहां पे? इधर C पे, फिर C माइनस पे सी एच बन जाएगा। नहीं समझ आ रहा? नेगेटिव C माइनस मतलब C पे आ जाएगा। हाँ तो C पे ऐसा आ जाएगा इथेनॉल का, मतलब बुक्स में डायरेक्ट दिखा रखा है इसको, C2H5OH है, Na डाला, फोर लिए दोनों के मॉलिक्यूल, फोर C2H5ONa बना, फोर नेशन हाइड्रोजन बना, रिएक्शन हो जाएगी इस तरह से। समझे कि नहीं? नेशन हाइड्रोजन मैंने बता रखा है हाइड्रोजन चैप्टर में। नेशन हाइड्रोजन क्या होता है? जो रिएक्शन में प्रोड्यूस होगा उसी वक्त यूज हो जाएगा, NaSCENT, नेशन हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना, एटॉमिक हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना तो बहुत टफ है ना, HH बॉन्ड तोड़ेंगे तब एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। एनर्जी कितनी? 5000 केल्विन के आसपास। नेशन हाइड्रोजन क्या है? नॉर्मल टेम्परेचर, इवन रूम टेम्परेचर में भी प्रोड्यूस हो जाता है केमिकल रिएक्शन में, और जैसे ही प्रोड्यूस होगा इमीडिएटली बॉन्ड बना लेगा। ये तुमने हाइड्रोजन चैप्टर में किया होगा, नेशन हाइड्रोजन क्या होता है, एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होता है, इनमें क्या डिफरेंस है,
नेसेंट हाइड्रोजन जो है केमिकल रिएक्शन के थ्रू रूम टेम्परेचर पे भी प्रोड्यूस हो सकता है। समझ आ गया कि नहीं? ये डाउट किसी को? नो सर। तो एक रिएक्शन और लिख लेंगे जल्दी से, आज यहीं तक करेंगे। नेम क्वेश्चंस कर लेना आज जरूर, आज नेम क्वेश्चन का काम जरूर कर लेगा खत्म। 10 बार लिखो तुम, 15 बार लिखो लेकिन याद हो जाए जरूर, कल पूछो तो याद हो सबको। रिएक्शन लिखेंगे इटार्ड रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बोर्ड के लिए। टोल्यून से बेंजल हाइड मिलता है, टोल्यून से क्या मिलेगा? बेंजल हाइड। टोल्यून में डाला CH3CO होल ट्वाइस हो, सॉल्वेंट कह लो CH2 के अंदर। दो रिएक्शन हैं इसकी, अटेंडेंस ले लेना जरूर। तो मिलता पहले जेम डाई एसिटेट CHOCOCH3 होल ट्वाइस, गलत मत लिखना, जेमिनल डाई एसिटेट मिलता है। इसी वजह से आगे रिएक्शन ऑक्सीडाइज नहीं होता, जो बेंजल हाइड है फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता बेंजोइक एसिड में। अब उसके बाद बॉइलिंग H2O डाल दो या H2O H+ डाल दो या H2O OH- भी डाल सकते हैं, तो मिलेगा बेंजल डिहाइड। और एक स्टेप में रिएक्शन को कैसे लिखते हैं? एक स्टेप में लिखते हैं डाला CH3CO होल ट्वाइस O CH2 के अंदर फर्स्ट सेकंड नहीं लिखा तो कोई मार्क्स नहीं है, H2H+ तो मिल गया बेंजल है। या टोलिन से बेंजल हाइड दूसरे तरीके से भी मिलता है, प्रोमाइल क्लोराइड डाल के, प्रोमाइल क्लोराइड के रेडी